जिसने अपने पहले ही मैच में बड़े बड़े बल्लेबाजों को किया गुमराह, लोग कहने लगे उसे दूसरा जसप्रीत बुमराह। नाम है उसका राजवर्धन हंगरगेकर। आज अपने इस एपिसोड में हम आपको राजवर्धन हंगरगेकर की ही अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाएंगे। भाई, जैसे इस बंदे ने पहले ही मैच में ये बता दिया कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है, क्यों उनको 5 गुना रकम पर 30 लाख का बेस प्राइस था, 1.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी ने चुना था। वो कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है, धोनी को इस हीरे की परख थी। तो आखिरकार ये हीरा राजवर्धन हंगरगेकर, आज हर तरफ इस खिलाड़ी की चर्चा है। तो ये कैसे IPL तक पहुंचा, इतने बड़े स्टेज तक पहुंचा, और बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं इसके पीछे की। जैसे कि ऑफ स्पिनर थे और अब तो बुमराह से उनकी मिलान मिलाई जा रही है। 140 की रफ्तार से बड़ी आराम से गेंद फेंक लेते हैं, तो कैसे ऑफ स्पिनर से इतने तेज गेंदबाज बने, कैसे शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में किया, तो कैसे क्रिकेट के एक एक कदम को चढ़ते हुए यहां तक वो पहुंचे हैं, इसकी कहानी हमारी जुबानी इस अनसुनी कहानी के एपिसोड में। शायद ही लोग जानते हों कि CSK के इस युवा सुपरस्टार यानी कि राजवर्धन हंगरगेकर को महेंद्र सिंह धोनी की तरह एक आदत पड़ गई थी। अगर ये आदत समय रहते नहीं सुधरती तो उनका करियर बर्बाद भी हो सकता था। कुछ समय पहले उनके ट्रेनर तेजस मातापुरकर ने 2017 का एक किस्सा बताया था। दरअसल हंगरगेकर जिम में कुछ दिनों तक सही से वजन नहीं उठा पा रहे थे। इसके पीछे की वजह पूछने पर गेंदबाज ने बताया था कि वो रात भर पबजी खेल रहे थे, यानी कि उनको पबजी खेलने की लत पड़ गई थी और उसकी वजह से ना वो जिम में ज्यादा समय दे पा रहे थे और ना ही ढंग से क्रिकेट खेल पा रहे थे। जैसे ही हंगरगेकर ने CSK के लिए अपनी पहली गेंद डाली, लोगों को जसप्रीत बुमराह की याद आ गई। वैसे ही कदकाठी, ठीक वैसा ही एक्शन और ठीक वैसा ही रिलीज। जसप्रीत बुमराह से हंगरगेकर का रन अप बहुत ज्यादा मिलता जुलता है और जिस तरीके से वो बॉल रिलीज करते हैं, वो भी एक्शन जसप्रीत बुमराह की तरह ही लगता है। इस वजह से सोशल मीडिया पर जिस दिन हंगरगेकर ने IPL का पहला मैच खेला, उसी दिन उनकी तुलना बुमराह से होने लगी और लोग कहने लगे टीम इंडिया को नया बुमराह मिल गया। हंगरगेकर की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब साल 2020 में वो भयानक डिप्रेशन में चले गए थे। दरअसल साल 2020 में जब कोविड काल आया था, उसी दौरान हंगरगेकर ने अपने पिता को कोविड की ही वजह से खो दिया था। पिता की मौत के बाद हंगरगेकर डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके बाद उनके ट्रेनर ने उन्हें जोरदार वापसी करवाई और महेंद्र सिंह धोनी की टीम से खेलने का अपने पिता का सपना हंगरगेकर ने पूरा किया। राजवर्धन की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उनके ट्रेनर ने गुस्सा होकर उनसे कह दिया था कि क्रिकेट छोड़ दो। दरअसल पबजी के बारे में जानकर मातापुरकर ने हंगरगेकर को क्रिकेट छोड़कर पबजी ही खेलते रहने के लिए कह दिया था। उस डांट के बाद हंगरगेकर की लत छूटी और उन्होंने अपने गेम पर ध्यान देना शुरू किया। इससे हर कोई वाकिफ है कि धोनी भी पबजी के कितने बड़े शौकीन थे। कई बार धोनी फोन पर इस गेम में बिजी नजर आ चुके हैं, यानी कि हंगरगेकर को धोनी वाली लत लग गई थी, लेकिन धोनी ने कभी भी इस गेम को अपने क्रिकेट पर हावी नहीं होने दिया। काफी कम लोग जानते हैं कि हंगरगेकर और उनके पिता CSK और धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। हंगरगेकर के पिता का सपना था कि उनका बेटा धोनी की टीम की तरफ से खेले। उनका सपना पूरा भी हुआ, मगर इसे देखने से पहले ही साल 2020 में उन्होंने कोविड की वजह से दुनिया छोड़ दी। राजवर्धन हंगरगेकर ने अपने IPL के पहले ही मैच में इतिहास रच दिया। उन्होंने CSK की तरफ से नंबर 1 गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस मैच में हंगरगेकर के अलावा CSK की तरफ से कोई भी 3 विकेट नहीं ले पाया था। इस मैच में CSK के बेस्ट गेंदबाज हंगरगेकर ही थे और उन्होंने अपने पहले ही IPL मैच में दुनिया को बता दिया कि इस खिलाड़ी में बहुत जान है। राजवर्धन हंगरगेकर CSK के लिए डेब्यू करने वाले 4थे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। राजवर्धन ने 20 साल 141 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू करने वाले टॉप 3 सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों पर अगर नजर डालें तो इस लिस्ट में टॉप पर अभिनव मुकुंद है। अभिनव मुकुंद ने साल 2008 के सीजन में डेब्यू किया था और उनकी उम्र उस समय महज 18 साल 139 दिन थी।
उनके बाद दूसरे स्थान पर अंकित राजपूत हैं, जिन्होंने 2013 के सीजन में 19 साल 123 दिन की उम्र में सीएसके के लिए अपना पहला मैच खेला था। वहीं तीसरे स्थान पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना है, जिन्होंने आईपीएल 2022 के दौरान 19 साल 148 दिन की उम्र में सीएसके के लिए अपना डेब्यू किया था। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इसी तरीके से राजवर्धन हंगरगेकर का टैलेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप में ही दुनिया को दिख गया था। टीम इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने में हंगरगेकर का बहुत अहम रोल था। इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने 6 मैचों में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए थे और साथ ही साथ बल्लेबाजी से 52 रन भी बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 185.71 का था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजवर्धन हंगरगेकर, जो आज अपनी पेस के लिए जाने जाते हैं, लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं, वो पहले ऑफ स्पिनर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑफ स्पिनर के तौर पर की थी। वो उस्मानाबाद जिले से अंडर 14 टीम में एक ऑफ स्पिनर की तरह खेल रहे थे, लेकिन अचानक एक मैच में उनकी टीम को पेस बॉलर्स की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने पेस बॉल डालना शुरू किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने का सिला उनको आईपीएल में मिला और सीएसके ने उन्हें 5 गुना कीमत पर खरीदा। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में राजवर्धन हंगरगेकर का बेस प्राइस मात्र 30 लाख रुपए था, लेकिन सीएसके जानती थी कि इस खिलाड़ी में कुछ तो खास है। महेंद्र सिंह धोनी ने पहचान लिया था कि अगर इस खिलाड़ी को थोड़ा सा भी वो मांझेंगे तो ये प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। इसलिए सीएसके ने 30 लाख से 5 गुना कीमत पर, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए में राजवर्धन हंगरगेकर को अपने साथ जोड़ा। बड़ी बात यह है कि हंगरगेकर के लिए मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी बोली लगाई थी, लेकिन सीएसके ने उन्हें 1.5 करोड़ में अपने साथ जोड़ लिया। राजवर्धन हंगरगेकर का जन्म साल 2002 में 10 नवंबर को तुलजापुर महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और एक अच्छे ऑलराउंडर की प्रतिभा अपने अंदर दिखाई है, अगर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से क्रिकेट के गुण सीख लिए और अपने अंदर वो आत्मसात कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले सालों में वो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कर दें कि टीम इंडिया के भी दरवाजे उनके लिए खुल जाएं। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।